सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 से बाहर आकर अंकिता लोखंडे की किस्मत चमक उठी है। एक्ट्रेस के हाथ एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट लग रहे हैं। शो खत्म करने के तुरंत बाद ही अंकिता लोखंडे ने फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर साइन कर ली। इस फिल्म में वो रणदीप हुड्डा के साथ काम करेंगी और इस बात की जानकारी खुद अंकिता ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए दी थी। इस फिल्म के अलावा अंकिता का नाम एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 से भी जुड़ रहा है। दावा है कि अंकिता की एंट्री इस शो में कंफर्म हो गई है और मेकर्स अब आगे के काम पे जुट चुके हैं। वही अब अंकिता ने इन रिपोर्ट्स पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ ऐसा जवाब दे डाला जिससे नागिन के फैंस की टेंशन बढ़ गयी। दरअसल अंकिता लोखंडे ने पिंक विला को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने विक्की जैन संग ठीक हुए अपने रिश्तों से लेकर अपकमिंग प्रोजेक्ट पर बात की। इस इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे से पूछा गया कि क्या वो नागिन 7 में नजर आएंगी। अंकिता ने सवाल सुनते ही सीधा ना में जवाब दिया। अंकिता कहती हैं, मैं ये सीरियल नहीं कर रही हूं। अभी सिर्फ फिल्म पर काम चल रहा है। वीर सावरकर मार्च में रिलीज हो रही है। मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि बिग बॉस के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। बिग बॉस में भी मैंने मेरी एक्टिंग को मिस किया है। मैं वहाँ भी लाइट कैमरा एक्शन जैसी चीजें मिस कर रही थी। अब अंकिता ने तो मना कर दिया। ऐसे में नागिन के फैंस इस टेंशन में जरूर आ गए होंगे कि अगर अंकिता नहीं तो कौन है एकता की नई नागिन। एक बार फिर से फैंस के बीच में नई नागिन को लेकर उथल पुथल दुगनी हो चुकी है। आपको बता दें कि नागिन 7 में जिस तरह अंकिता की एंट्री की बात चल रही है उसी तरह लीड एक्टर के तौर पर बिग बॉस 17 के पहले रनर अप अभिषेक कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। दावा है कि वो अंकिता के ऑपोजिट इस शो में नजर आ सकते हैं। दोनों एक साथ काम करेंगे। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में अंकित गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में फैंस देखना चाहते हैं कि आखिर नागिन 7 के लीड स्टार्स पर पक्की मोहर कब तक लगती है।